देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे। कौशल विकास और सेवा योजन विभाग की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड से हो रहे लगातार पलायन को लेकर सचिवालय में मुख्यमंत्री एक बैठक भी करने जा रहे हैं। शाम को सीएम आवास में भी कई मुद्दों को लेकर बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, आज रोजगार मेले का शुभारंभ करेंगे देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। बड़ी बात यह है कि लगातार पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए जो कटिबद्ध सरकार नजर आ रही थी, उसकी ज्यादातर जो नीतियां हैं वो कामयाब नहीं रही हैं, पलायन नहीं रोक पाई है। अब रोजगार को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना ही एकमात्र उपाय हो सकता है और उसको लेकर अपना फोकस बनाए हुए अब सरकार आज रोजगार मेले का उद्घाटन करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसके अलावा सचिवालय में आज एक बैठक भी होगी पलायन को लेकर। ग्रामीण क्षेत्रों से जो वहां की जनसंख्या है शहरों की ओर अपना रुख कर रही है। पंकज पवार हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से फोन लाइन पर मौजूद है। पंकज, किस वक्त शुरुआत होगी रोजगार मेले की और वाकई जो पलायन नहीं रुक पा रहा उसको लेकर रोजगार मेले से कुछ हासिल हो सकता है सरकार को? देखिए, जब से ये मुख्यमंत्री खुद दिल्ली से वापस आए हैं उसके बाद से थोड़ा व्यवस्थाओं में परिवर्तन नजर आ रहा है। लगता है कि केंद्र सरकार या फिर पीएम से मिलने के बाद से कई टिप्स उन्हें मिले हैं, उसके बाद से रोजगार मेले का भी आयोजन हो रहा है। और आज लगभग 10:30 बजे कौशल विकास सेवा आयोजन विभाग द्वारा एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन एसजीआरआर पीजी कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। इसके अलावा कुल मिलाकर कितनी कंपनियां यहां पहुंचेंगी, कितने लोग या अभ्यर्थी या फिर नौकरी के लिए जो इच्छुक हैं वो छात्र या लोग पहुंचेंगे, कुछ आंकड़ा है आपके पास? देखिए, 25 कंपनियों को इसमें बोला गया है और लगभग अब स्टूडेंट्स कितने आएंगे ये तो सेवा आयोजन विभाग ही बता पाएगा, लेकिन 25 कंपनियों को यहाँ पर आयोजित किया गया, बुलाया गया है, उनको इनवाइट किया गया है। और उसमें स्टूडेंट्स जितने एसजीआरआर पीजी कॉलेज के होंगे, उसके अलावा अन्य जो स्थानीय युवा है वो भी वहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा लगभग 11:30 बजे मुख्यमंत्री जो है वो पलायन रोकने के लेकर संबंध में बैठक भी करेंगे। अब इसको लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हम एक ग्रोथ सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में बनाएंगे, अब उनका कितना फायदा राज्य को हो पाएगा, पलायन रोकने के लिए हो पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर सरकार की कोशिश यही है कि पलायन रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाए, लेकिन उत्तराखंड में भले ही पलायन रोकने के लिए तमाम कोशिशें होती रही हैं, लेकिन फिर भी पहाड़ के ज्यादातर गांव खाली हैं। और अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार नया क्या इसके लिए व्यवस्था करती है जी। और क्या कुछ क्राइटेरिया छात्रों के लिए, बच्चों के लिए या जो रोजगार हासिल करना चाहते हैं उनके लिए रहने वाला है? और सरकारी जो कौशल विकास केंद्र चल रहे हैं उनसे जो बच्चे तैयार हो रहे हैं क्या वो भी शिरकत करेंगे इसमें? देखिए, सरकारी कौशल विकास उसमें तो प्रशिक्षण केंद्र हैं सारे, और प्रशिक्षण केंद्रों में ही से ही आगे उनको क्या रोजगार मिल पाता है, उन्हीं कंपनियों को आज यहाँ पे बुलाया गया है। सरकार की कोशिश यही रही है कि जो जितने भी जो ट्रेंड्स हैं, जितने भी ट्रेड्स हैं उनको उनको सिखाया जाए युवाओं को रोजगार के लिए, और लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उनको सिखाया जाए। तो आज की जो सेवा आयोजन विभाग द्वारा जो रोजगार मेला आयोजित किया गया है, लगभग 25 कंपनियों को जो बुलाया गया है, उसमें खास तौर पर उनको रोजगार कैसे दिया जाए और कितने रोजगार वहां पे उन्हें मिलेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सरकार की कोशिश यही है कि जितने भी कौशल विकास के द्वारा ट्रेंड हमारे युवा हैं उनको रोजगार प्राप्त हो। अब आज का देखना दिलचस्प होगा कि कितना रोजगार वहां पे मिल पाता है जी। बहुत शुक्रिया पंकज पवार इस पूरी जानकारी के लिए आपका।